लोगों का है। ये दरअसल बहुत पुरानी लड़ाई है। 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता है। हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि यह असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। भारत का संविधान धर्म के नाम पर किसी से कुछ छीनने या किसी को कुछ देने की अनुमति नहीं देता है। पिछले दिनों जो घटनाएं इस देश में घटी, जो आप लोगों ने देखा, अयोध्या को लेकर ये मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में था तब भी हम लोगों ने धरना दिया था। चूँकि हमारा भी मुकदमा PIL नंबर 180/2004 से निरंतर सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय से भी मांग कर रहे हैं कि आपने संवेदनशीलता के आधार पर अगर अयोध्या का मुद्दा सुलझाया है तो आपको इसी संवेदनशीलता के साथ 341 का जो मुद्दा विचाराधीन है उसको भी सुलटाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। चूँकि ये मुद्दा भी जो है देश के आम जनों से जुड़ा हुआ है। दूसरी मांग हम लोगों की केंद्र सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि जब आपने अनुच्छेद 370 पर पूरे देश में ढिंढोरा पीटा कि हमने इसमें सुधार करके करोड़ों कश्मीरियों को मुख्यधारा से जोड़ा है, हम लोगों ने इसका स्वागत किया कि ठीक है, अच्छा हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 341 में भी सुधार आपको इसलिए करना चाहिए कि आपने 370 में सुधार के समय ये कहा था कि ये नेहरू जी की एक गलती है जिसका हमने सुधार किया है। तो नेहरू जी की दूसरी ये भी गलती थी कि उन्होंने अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया। तो हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से विनती करते हैं कि जब आप 370 में सुधार कर ऐतिहासिक निर्णय बता सकते हैं, ले सकते हैं, तो फिर 341 पर धार्मिक प्रतिबंध अगर लगा रहेगा तो ये संविधान पर एक काला धब्बा है। इस काले धब्बे को भी आप मिटाइए। आपके साहस की चर्चा है पूरे देश में और आपने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भारत का मुसलमान भी ये देखना चाहता है कि भाई विश्वास में मुसलमान शामिल है या नहीं, और अगर मुसलमान भी शामिल है तो अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध हटना चाहिए और आपके राज में हटना चाहिए। चूँकि आपने कई ऐतिहासिक काम किया है तो भारत का मुसलमान प्रतीक्षा कर रहा है, उसको विश्वास है, उसको यकीन है कि आपके राज में ये भी एक ऐतिहासिक काम होगा। तो हम विनती पूर्वक प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अनुच्छेद 341 पर जो धार्मिक प्रतिबंध है, जो असंवैधानिक है, भारत के संविधान पर एक काला धब्बा है, इस धब्बे को आप मिटाकर भारत के बड़ी आबादी यानी कि अल्पसंख्यकों में बड़ी आबादी जो है दबे कुचले, उनके विश्वास को भी आप जीतने में सफल हो और एक नए इतिहास को आप रचें और इतिहास पुरुष के रूप में आपका नाम लिया जाए। सुधार करो। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।